अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी ज़ुल्कनैन सिकंदर और मेरे साथ हैं मिसेस ज़ुल्कनैन और इनका दूसरा नाम पुराना नाम कमल आफ्ताब भी है। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अपना नया व्लॉग। चूँकि मैं काफ़ी अच्छे से व्लॉग नहीं बना रहा, लेकिन अब मैं और कमल इकट्ठे व्लॉग बनाया करेंगे और इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर इंजॉय करेंगे। तो आज हमने चूँकि अभी रिसेंटली निकाह किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग निकाह फाइट भी हो चुके हैं, पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को ये है कि शायद हमारी शादी हो चुकी है। मैंने काफी वीडियोस देखी जिसमें था रुखसती हो गई, रुखसती के बाद की वीडियो और वलीमा वीडियो। अच्छा पता है, मैं अपने डीएम चेक कर रहा था और उसमें ये था भाई आपने वलीमा नहीं किया, वो तो सुन्नत होती है। तो सबसे पहले है अच्छा, और दुआ है हर मोहब्बत की आखिरी मंजिल निकाह। अच्छा ये जो फोटो है ना, इसमें मेरी सिस्टर की शादी थी और बहुत से लोग समझ रहे थे कि शायद मेरी और कमल की शादी हो चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। और ये और ऊपर उन्होंने लिखा है कि और दुआ है हर मोहब्बत की आखिरी मंजिल निकाह हो, बेशक आमीन आमीन, ऐसे ही होना चाहिए, हर मोहब्बत की आखिरी मंजिल निकाह ही होनी चाहिए। हमारी अपने लिए भी दुआ दी और आपके लिए भी दुआ है। और चले दूसरे कमेंट की तरफ चलते हैं। ये कमेंट पढ़ने के लिए ज़ुल्कनैन बेताब है। ज़ुल्कनैन ने कहा कि दूसरे नंबर पे मैं इसको जरूर पढ़ूं। नहीं, अच्छा इसमें मैं और ज़ुल्कनैन की हमारी निकाह की पिक्चर है और ये एक ट्वीट है आई थिंक सो। बहुत सी लड़कियों के दिल तो इसकी शादी होने से टूट गए। हमारी शादी होने से लड़कियों के दिल टूट गए? आपकी शादी, मुझे समझ नहीं आई थी, ये बच्चे बन रहे हैं लड़कियों के साथ क्या शादी? आपकी शादी होने से बहुत सी लड़कियों के दिल टूट गए। थैंक यू। वैसे मुझे बहुत खुशी हुई थी इस ट्वीट को पढ़ के। I'm sorry, मैंने कमल को नहीं बताया। होता है यार, मतलब लड़कों में एक अपनी भी होती है, अंदरूनी एक शैतानता होता है। खैर अब चलते हैं तीसरे कमेंट की जानिब। और उनके दिल का फर्क पड़ता है जिनके दिल टूटे हैं? देखो इंसान को इंसान के साथ फर्क पड़ता है। देखो आपको फर्क पड़ता है कि नहीं, बस ये बताना। यार फर्क की बात नहीं है, फर्क पड़ता है कि नहीं, फर्क पड़ता है कि नहीं, फर्क पड़ता भी है नहीं भी पड़ता? पड़ता है। अच्छा पड़ता ये है कि मतलब इंसान को इंसान का दुख होता है, मतलब दुख जो होता है ना वो हर इंसान को महसूस होता है, और वो इंसान ही नहीं होता जिसको दुख महसूस ना हो दूसरे का। क्या तीसरे मतलब दूसरों के दुख महसूस हो रहे हैं वो इसके बाद में इनसे बात करूं। ओके अगर अगली वीडियो में आप देखें कि मेरे यहाँ मुक्के का निशान है तो समझ जाइएगा इसके बाद जो पूछना होगा। ओके खैर तीसरे कमेंट की जानिब जाते हैं। मैरिज इज इटर्नल यूनिटी ऑफ टू सोल्स हु हैड मेट लॉन्ग बिफोर बीइंग बॉर्न इनटू दिस टेंपरेरी वर्ल्ड। बेशक 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 फायजा, और इसमें जो पिक्चर है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। और देखो ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है आंखें बंद वाली पिक्चर है। मेरी आपकी भी आंखें बंद है? नहीं मेरी, अच्छा मेरी तो वैसे स्माइल करते हो वैसे बंद हो जाती है, ये मेरी बंद नहीं खुली है। इस पिक्चर में ऐसे लग रहा है कि ज़ुल्कनैन मुझे लगा रहा है उत्तर। हाँ हाँ ये नोटिस किया आपने? मैंने अभी नोटिस किया, अभी नोटिस किया हमने भी कि इस तरह लग रहा है कि ज़ुल्कनैन ये लगा कौन रहा था? सलमान, सलमान के हाथ सलमान ये कोई लगा रहा था। ओके ओके चलते हैं अपने फोर्थ वन। हमने वैसे जितने भी थे ना हमने कोशिश किया कि हम सारे उठा के उस पे डिस्कस कर सकें, काफी चीजें थी जिस पे हमने डिस्कशन करनी थी और काफी लोग हमें इंटरव्यूज के लिए बुला भी रहे थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि हम अपना ذاتی इंटरव्यू सबसे पहले आप लोगों को दें, अपने जज्बात सबसे पहले आपके सामने रखें। ओके हां हां बेशक गर्मी बहुत है। खैर ओके अगले पे चलते हैं। दुआ आर नेवर वेस्टेड, कंग्रेचुलेशन कमल आफ्ताब ज़ुल्कनैन सिकंदर #, थैंक यू सो मच। उसमें मैंने ऐसे किया हुआ, वैसे दुआ भी मैं मांग रहा था। बेशक दुआएं रद्द नहीं जाती, आप लोग भी दुआ कीजिएगा अपने लिए भी और हमारे लिए भी। मैंने सबसे ज्यादा, तुमने भी ज्यादा मांगी है, मैंने भी मांगी होगी यार। नहीं नहीं अच्छा इसको ज्यादा पता है कि मैंने कम मांगी है यार, मैंने ज्यादा मांगी है, हमारे अल्लाह को पता है किसने ज्यादा मांगी है। खैर चलो अगले पे चलते हैं। ओके ओ यार ये मेरी फेवरेट है, फेवरेट पिक्चर मेरे, हमने जब देखी तो ये मोस्ट फेवरेट पिक्चर मेरी बन चुकी है। अच्छा जब हम क्लिक करवा रहे थे इतना नहीं, मुझे ये था कि नहीं ये नहीं ज्यादा अच्छी आएगी फोटो, और लेकिन ये सबसे आला फोटो निकली है, सबसे खूबसूरत है। बेशक अपनी बीवी का माथा चूमकर उससे इजहार मोहब्बत करना सुन्नत रसूल,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बहुत और ये कैप्शन मैंने रखा हुआ था, मतलब मेरे कैप्शन नहीं था, मेरे दिल में ये था मैं करूंगी। हाँ। पर ज़ुल्कर्नैन सिकंदर ने मैंने पहले चोरी कर लिया, ये मुझे कह रही थी यार तुम क्यों लगा रहे हो ये कैप्शन, तुम क्यों लगा रहे हो। मैंने रखा, मैंने कहा यार मान जाओ प्लीज मैं कर लूंगा, इसमें क्या है तुम्हारा मेरे में फर्क क्या है, एक ही है अब तो। खैर अगले पे चलते हैं। ओके मतलब ट्विटर पे हम लोग ट्रेंडिंग पे रहे हैं, और हालांकि आपका ट्विटर पे अकाउंट है? नहीं मेरा नहीं। मेरा खुद अकाउंट है। हाँ फेक बहुत है पर मेरा अकाउंट है ट्विटर पे। तो इस पे था आप दोनों को निदा बाजी याद। कि हम जा रहे हैं बेशक उन्होंने तो याद किया, लेकिन अभी हमारा प्लान नहीं है कि जाएं या ना जाएं, पर दोबारा याद करेंगे तो चले जाएंगे। देखेंगे इंशाल्लाह। ओके जी अगले से चल, अगले कमेंट की जानिब जाते हैं। हाँ ओके। किसी से मोहब्बत करते हो तो निकाह कर लो, बेनाम रिश्ते खुदा को पसंद नहीं, निकाह मुबारक हो। थैंक यू सो मच, खैर मुबारक। और बेशक ऐसे ही है, बेनाम रिश्ते खुदा को पसंद नहीं। अच्छा ये मैं पढ़ूंगी। 2020 में तो मेरी फ्यूचर वाइफ बन जाए, हम अभी डिस्कस कर रहे थे, और 2021 में शी इज हिज वाइफ नाउ। ना गर्लफ्रेंड वाला चक्कर, ना बेबी शो ना होगा, आज से आपकी लाइफ में ना रोना धोना होगा। मांगता हूँ आगे मुझे नहीं आता। खैर ओके जितना पढ़ लिया उतना काफी है। ओके अगले पे चलते हैं। ओके 1000 वेज टू एक्सप्रेस लव बट कबूल है मोस्ट ब्यूटीफुल। बेशक अच्छा बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आप निकाह में कबूल है कह रहे होते हो, एक वो कबूलियत का वक्त भी होता है। अच्छा मजे की मैं बात बताती हूँ, मैं मुझे था कि मैं रोऊंगी नहीं, मेरा मतलब कहते ना मेरी सबसे बड़ी जो ख्वाहिश थी वो ये है, अभी भी है तो वो पूरी होने जा रही थी। और वैसे तो अल्लाह पाक ने हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन ये जब पूरी होने जा रही थी मैं आके बैठी हूँ, तो मैंने ना ज़ुल्कर्नैन ने ना साइड पे भी बैठा हुआ था, तो मैंने आते ही ना पानी मंगवाया, मेरा दिल घबरा रहा था, मैंने कांप रही हूँ, और ज़ुल्कर्नैन सामने बैठा हुआ फूलों से उस तरह, और ज़ुल्कर्नैन हंस रहा है, और ज़ुल्कर्नैन मुझे कह रहा है, मतलब मेरे पीछे अम्मी बैठी हुई है, ठीक है, तो ज़ुल्कर्नैन की अम्मी और मेरी भी अम्मी पीछे बैठी हुई है, और बैठी हुई है, और ज़ुल्कर्नैन मुझे बार बार कह रहा है कंफ्यूज हो, मेरे आंसू निकल रहे हैं, मेरा नाक क्या हो गया, मैं हंस रहा हूँ साथ साथ। हेलो मैंने क्या, मैं इसी साथ साथ कह रहा हूँ फूल हटाकर, यार तुम क्या हो गया, हंसो, कंफ्यूज हो, डर रही हो। अच्छा ये पता है क्या करी, मुझे पता है कहाँ से पता चला कि ये कंफ्यूज थी, मतलब कंफ्यूज नहीं समझ नहीं, नहीं थी मतलब ये थी कि खुश थी। हाँ खुश थी, और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं किस तरह एक्सप्रेस करूँ। हाँ मतलब एक होता है, अच्छा ये क्या कर रही थी, इसकी टांगे ऐसे ऐसे, हाथ ऐसे ऐसे कर रही है, मैं कह रहा हूँ क्या हो रहा है तुम्हें, तुम थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहो, तुम इसका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा था। मैंने चार बार पानी पिया, मेरा बीपी लो हो गया था। हाँ। जब तीसरी बार आपने वो दुपट्टा उठाया तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए, मतलब कि मैं अच्छा वो जब दुपट्टा उठा के मैंने माथे चुमा था है ना, वो दूसरी बार तो हंस रही थी, वो तीसरी दफा था, तीसरी दफा आपने मुंह पर किया था कि मैंने, हाँ मैंने पहली दफा जब चुमा था उसके बाद, पहली दफा मैंने नहीं चुमा, लेकिन क्योंकि मेरे इर्द गिर्द काफी लोग थे तो मैं थोड़ी शर्म महसूस कर रहा था, क्योंकि अब्बू थे, अम्मी थे और बाकी सब लोग भी थे, लेकिन फिर मैंने कहा कि यार मैं क्यों शर्म महसूस कर रहा हूँ, फिर मैंने कहा नहीं मैं भाई दूसरी दफा मैं हटाऊंगा घूंघट और उसके बाद मैं क्यों करना होगा, तो उसके बाद मैंने दूसरी दफा हटाया, फिर मैंने माता चुमा। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अगले कमेंट की जानिब चाहते हैं। ओके नो मैटर यू लाइक और डिसलाइक टिकटॉक बट अप्रिसिएशन फॉर दिस कपल फॉर टर्निंग देयर नेमलेस रिलेशनशिप इनटू निकाह। तो हाँ मेरे कैसी है भाई, कई लोग पसंद करते हैं टिकटॉक को, काफी लोग नहीं पसंद करते, लेकिन हर बंदा टिकटॉक पसंद करता है। क्या ऐसे ही है, कोई लोग करते हैं कोई नहीं करते, लेकिन थैंक यू सो मच हमें अप्रिशिएट करने के लिए, थैंक यू सो मच, बेशक थैंक यू सो मच। ओके जी बेशक निकाह टिकटॉक से बेहतर है, बेशक ज़ुल्कर्नैन की दुल्हन, लेकिन बेशक निकाह बहुत बेहतर है।
हर चीज से बेहतर है, टिकटॉक ही क्या है, मतलब हर चीज से बेहतर है, दुनिया की हर चीज से बेहतर है। हाँ, बेशक बेशक। ओ यार माय फेवरेट आईफोन ना सही मोहतरमा, हाँ मगर तोहफे में कुरान मजीद और इज्जत जरूर दे सकता हूँ, बेशक मैं दे सकता हूँ। आईफोन नहीं दे सकता यार, गरीब आदमी हूँ। अगला ले लेना, हमारे पास नहीं है क्या वाला? अगले आगे वाला। अच्छा मतलब आईफोन भी है भाई, ये मैं इसको चेंज करना पड़ता है। आईफोन भी दूंगा हाँ, मगर आईफोन से ज्यादा जरूरी चीजें ये हैं कि आपको तोहफे में कुरान मजीद और इज्जत जरूर देंगे, इंशाल्लाह जरूर दी भी है और देते भी रहेंगे। आप भी, आप भी। ओके ओके ओके। खैर अगले क्वेंट की जानिब चलते हैं यार। ये मुझे बहुत अच्छा, पता है इसमें क्या सीन था? ये पिक्चर आप जो देख रहे हो इसमें ये सीन था। आई स्वेयर मुझे ज़ुल्कर्नैन की कसम कि मुझे नहीं पता था कि मैं ज़ुल्कर्नैन को, मैं ना थोड़ा सा अग्रेसिव हुई थी। मैं फ़ोन कर रही थी और ये फ़ोन नहीं उठा रहा था और मैंने इसे कहा सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, तो ना पीछे से उसने ना वीडियो बना ली और इसको सबसे पहले लगा दिया। हाँ, तो ये बहुत ही खूबसूरत था। ये आदिल ने बनाई थी, आदिल ने बनाई थी। क्या लिखा हुआ है आपने इस पे? मैंने लिखा और मेहंदी बहुत प्यारी है मेरी जान। अरे नहीं नहीं, मोटो। ओके फिर मैंने लिखा लव यू अ लॉट। अच्छा इसमें ये था कि मैं मतलब एक होते हैं यार। ओके ओके अच्छा हुआ ये कि कुछ जो होती है ना आपकी जो पर्सनल चैट होती है वो इंसान को उसके मतलब बहुत ज़्यादा ये होता है कि यार नहीं ये मेरी शेयर वाली नहीं है। फिर मैंने आदिल था, आदिल ने बनाया था, आदिल को मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा नहीं ये फ़ोटो क्यों लगाई है हमारी। फिर वो कहता यार ये बहुत क्यूट थी, मैंने कहा ओके चलो खैर ओके। खैर उसके अलावा अगले पे चलते हैं। जितने प्यारे खुद लग रहे हैं दोनों के नसीब भी इतने ही प्यारे हों। आमीन आमीन। अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे, बेशक सब बेटियों के सब बेटों के। आमीन आमीन। ओके नो वन विल एवर लव यू एज मच एज योर मदर, बेशक बहुत खूबसूरत फोटो है कमल की और अम्मी की। ये बहुत ज़्यादा प्यार भी और माँ के प्यार को वैसे ही कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बेशक। और जी उसके अलावा है आज से तेरी बोलती बंद मेरी शुरू। अच्छा, बेशक बेशक भाई ये फोन बोलती है, आपको पता है, आपको पता है ये जब हमारा निकाह था ना कोई बंदा नहीं बोल रहा था, ये स्टेज पे बैठ के खुद ज्यादा बोले अरे ये कर दो अरे वो कर दो अरे अरे भारी वाला गाना लगा दो फला। मैं कह रहा हूँ कमल थोड़ा कम बोलो। फिर कह रही अरे भारी वाला लगा दो। अम्मी की तरह, अम्मी की तरह, अम्मी की तरह। मैं बैठू ऐसे करके। ओके ये पिक्चर बेसिकली हमने ये खिंचवाई थी कि मैंने यहाँ पे कवर लिखा हुआ था और मैंने इसके मुंह पे आके ऐसे किया था कि तुम्हारे मुंह से सिर्फ मेरा ही नाम निकलेगा, कवर के अलावा किसी और लड़की का नाम नहीं निकलेगा, इस वजह से। बेशक बेशक बेशक। ओके ये मेरी मोस्ट फेवरेट है। बस कर दो यार, पता चल गया है कवल आफ्ताब और ज़ुल्कर्नैन का निकाह हो गया। क्यों भाई अभी क्यों बस करना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बहुत हो गया, ज्यादा हो गया। खैर आगे चलते हैं। कभी ये भी बहन भाई हुआ करते थे। अम्मी कहती है शादी से पहले सब बहन भाई होते हैं। बेशक बेशक शादी से पहले सारे बहन भाई होते हैं। और लेकिन ज़ुल्कर्नैन ने तुम्हें बहन भाई नहीं कहा। मेरी बात सुनो, मैं आपको क्लियर बताती हूँ, मैं आज बताऊंगी स्कूल से। मैं बड़ी देर मैंने नहीं कहा था ज़ुल्कर्नैन। अच्छा पता क्या सीन था? सीन ये था कि मैं न्यू के एक शो में गई थी, वहाँ पे एक लड़की आई जिसने मुझे कहा कि मेरा वेब चैनल है, प्लीज आप मुझे इंटरव्यू दे दो। मैंने कहा ओके। वो मुझे पूछ रही थी, उसने मुझे पहले कहा कि हु इज हारिस फॉर यू, तो मैंने कहा He's like my brother, छोटा भाई, वो मेरा जूनियर है, मुझसे उम्र में छोटा है। अगर मैं उसके साथ कोई वीडियो बना लेती तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरा कुछ लगता है। फिर उसके बाद उसने पूछा कि who is ज़ुल्कर्नैन for you? मैं कह he's everything for me। उसने कहा कि मुझे काफी सुनने में आ रहा है कि आपकी और ज़ुल्कर्नैन की मंगनी हो चुकी है। मैंने कहा आप लोगों को ये सुनने में आ रहा है क्योंकि तब तक हमारी फैमिली को नहीं पता था। मैंने कहा अगर मेरी फैमिली को पता चल गया तो मुझे छिपकर मारेंगे। और उन्होंने पता क्या किया, who is ज़ुल्कर्नैन फॉर यू ये करके आगे उसका पार्ट काट के हारिस वाला पार्ट लगा दिया। What the hell is this? वो कट लगा मैंने नहीं, मतलब भाई का ना वीडियो में कट था, मतलब लेकिन वो पर कुछ लोगों को नहीं पता। मैंने इसको कभी मैंने पहले दिन भी नहीं। अच्छा
ओके खैर ये थे और हमारे कमेंट हम रीड कर रहे थे, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करूंगा। धन्यवाद, हम लोग क्यों देखते हैं इतनी हिंदी मूवी, आप देखते हैं, मैं शुक्रिया अदा करूंगी, थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा। मुझे लगता है कि हम लोग, मतलब ये तारीफ नहीं है खुद की, हम लोगों ने इतना नहीं सोचा था कि आप सब हमें इतनी रिस्पेक्ट देंगे, इतनी ज़्यादा मोहब्बत की। हमारे जो साथी हैं टिकटॉकर्स, उन्होंने हमें बहुत रिस्पेक्ट दी, उन्होंने बहुत हमारे, अगर हम किसी को मेंशन नहीं कर पाए या किसी का शुक्रिया अदा नहीं कर पाए, हमारे जितने भी फैन पेजेस हैं, हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, उन सबको थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। And don't forget to subscribe our channel और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। And again thank you so much and दुआओं में याद रखिएगा और I love you, love you all, too. Okay and I love you guys all. Okay, तुम्हें भी, तुम भी, I love you all. Okay, खैर तेरे राख कर, हाँ ओके. Yeah, thank you so much. Keep watching and keep. Can you blow my whistle, baby?